बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। कई ऐसे कारक हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। यदि फेफड़े कमजोर होने लगें तो श्वसन प्रक्रिया पर गंभीर असर होने लगता है। वृद्ध लोगों में श्वसन समस्याओं से बचाव जरूरी है। सीनियर सिटीजन अपना कैसे करें बचाव, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बढ़ती उम्र का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। हमारा श्वसन तंत्र भी उम्र बढ़ने के कारण प्रभावित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर के अंगों की क्षमता कम होती जाती है। फेफड़े में उनकी मांसपेशियों में कमी होने की वजह से सांस की कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी कार्टिलेज जो सांस की नलकियों के कार्टिलेज हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, जिसके रास्ते बढ़ जाते हैं। उनका जो अपने आप म्यूकोसलरी सिस्टम जिससे हमारे शरीर की फेफड़े की क्लीनिंग होती है वो ख़राब हो जाता है, कम काम करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे एस्पिरेशन के खतरे, निमोनिया के खतरे बढ़ जाते हैं। इन सब के कारण हमें लंग्स की बीमारियों का खतरा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे फेफड़ों की क्षमता कमजोर होने लगती है, व्यक्ति को श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक श्रम वाली क्रियाएं नहीं कर पाता और कुछ मामलों में व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बढ़ती उम्र सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है क्रॉनिक लंग डिसीजेज के लिए, और तीन प्रकार के क्रॉनिक लंग डिसीजेज जैसे COPD, इंटरस्टीशियल लंग डिसीज और कैंसर, इन सबके खतरे कहीं ज़्यादा बढ़ती उम्र में होते हैं। वृद्धावस्था में श्वसन संबंधी संक्रमण होने की संभावना रहती है, इससे बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का टीकाकरण जरूरी होता है। साथ ही बढ़ती उम्र के लोगों को श्वसन संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए सावधानी रखना और खास तौर पर प्रदूषण से बचाव करना आवश्यक है। किरण भारद्वाज, DD News। और कहते सब कुछ स्मार्ट हो रहा है, बस एक हेल्थ को स्मार्ट करने के तरीके आप खोज लीजिए और आप खुद